जंपसूट पहना है अप टू विन का। ये मैंने मंगाया था अमेजोन से 600 में, मुझे ये पड़ा था और ये इतना ज़्यादा ऑसम है कि मैं ये लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मैंने ये स्ट्रेटिंग बहुत हल्की हल्की की है, बहुत ज़्यादा हल्की, 5 मिनट में जैसा भी मुझसे हो पाया मैंने वैसा कर लिया, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए थे। तो अब मैं पहले मेकअप करूँगी, उसके बाद हम हेयर स्टाइल करेंगे। तो मेकअप के लिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सो देखते हैं कि हम मैं यूज़ क्या क्या करने वाली हूँ। तो मैंने क्योंकि बोला मैंने कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने नहीं वाली हूँ, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ करने वाली हूँ NY का कॉम्पैक्ट और SQ का लिक्विड फाउंडेशन। ये सब मैंने purple.com से लिया है, और कंसीलर भी मैं NY का ले रही हूँ, देखिए। और मैं बेला बेसिट, क्या बोलते हैं इसको यार, जो भी बोलते हैं, इसका मैं लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया यार, मैंने अभी तो 2 मंगाए हैं, पर ये इतना पसंद आया कि मैं आगे वो भी मंगाऊँगी। और मैं NY का काजल लगाने वाली हूँ। सो बस मैंने बोला ना मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। ओह, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई, तो ये भी मैं मैबेलिन का यूज़ करने वाली हूँ आई शेड्स, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, वो भी आप लोग को समझेगा कि मैं कहाँ कहाँ ये यूज़ करने वाली हूँ। तो रेडी करते हैं हम। यार न्यू है, पर मुझे ना इसलिए पसंद नहीं आता है सब चीज़। देखो किसी के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मैं ये कर रही हूँ लेकिन ये निकल ले रहा, और ये पूरा एकदम न्यू है। देखिए सो ये पूरा भरा हुआ है, क्यों नहीं निकल रहा पता नहीं, कोई नहीं, मैं ऐसे यूज कर लूंगी। फाउंडेशन है यार, सेट करना आना चाहिए, है कि नहीं? फाउंडेशन एकदम कभी भी अपने कलर से ज़्यादा मतलब वाइट में मत लगाइए, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, कोई बोले या ना बोले। जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही वो कैसे सामने वाले को उतनी अच्छी लगेगी। और हाँ, ये चीज़ें आप ना प्लीज़ नेक तक कीजिए, कभी भी कोई भी मेकअप नेक तक ही किया जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। सो मैं ब्लेंड कर लूँगी, मैंने स्पॉन्ज का किया है इस्तेमाल, बट आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। क्या मैं आपको हाथ से भी करके बताऊं? ठीक है, से देखिए कितना टाइम लग रहा है मुझे यार। मैं आपको दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगी कि हाथ से कैसे करते हैं, वो एक ट्रिक होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना यूज ही नहीं करते हैं मतलब स्पॉन्ज से, पर हाँ जिनको बैठा हुआ है हाथ पे वो जरूर करते हैं। हाँ
ब्लेंड हो चुका है। देखिए पूरा एक टोन हो गया ना। अब मैं करूंगी कंसीलर का यूज कहाँ कहाँ। मुझे ये जब चिन के साइड पे ब्लैक दिखता है तो बहुत ज़्यादा बकवास लग के आता है। सो आप लोग पूछो नहीं इसलिए मैंने खुद ही से बता दिया। इसे पे मैं ब्लैंक कर लूँगी। इस साइड का जैसे मैंने किया है मोबाइल फोन में देख के मेकअप करना कितना मुश्किल होता है। कोर्स हमने लगा दिया। लोअर लिड पे हमको बस काजल एकदम हल्का सा उकरना है। ये काजल लग के हो गया है तो आप देख सकते हो अभी का लुक मेरा। लिप बाम जो मैंने लगाया था वो मैंने हटाया, उसे हल्का सा टैप करके कभी भी लिपस्टिक लगाने के बाद आपको ना ऐसे करना ज़रूरी होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि लिपस्टिक मैंने पहले ऐसे क्रॉस किया लिप के पास, उसके बाद किया तो देखिए ये शेप आ रहा है उनका। सो हाँ लास्ट ये मैंने बोला था ना यूज़ करूँगी थोड़ा सा कहीं तो वो भी बता देती हूँ कहाँ ऐसा यूज़ होने वाला है ये।
तो ये मैं जस्ट ब्लैक अच्छा हाँ, आप लोग चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो, अगर आप आई शेड्स लगाना मतलब अच्छा नहीं समझ रहे हो या मन नहीं है तो ये भी कर सकते हो। ओके हेयर स्टाइल में कर सकते हो, चलो हेयर स्टाइल करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए मैं कोम यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये देखिए हमको ऐसे लेना है, लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा मैसी दिख के ही आना चाहिए, बहुत अच्छा लुक लगता है। आप चाहो तो ओपन हेयर्स भी रख सकते हो, लेकिन मैं ओपन हेयर नहीं रखने वाली हूँ। और हाँ, बाल कभी भी मतलब हम ऐसे झाड़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, जब हम ऐसे करते हैं तो इससे आपको ना ऐसे राउंड ऐसे करना है, तो इससे ये एक तो वो उलझे उलझे अजीब से नहीं दिखते हैं, अच्छा लुक आता है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। हमारी हेयर स्टाइल भी रेडी है बिना कोम की, तो अब मैं इयररिंग डाल लूंगी। मिस्टेक, मेरे पास मैचिंग निकला, हाँ एकदम से भी मैच नहीं हो पा रहा है, थोड़ा रेड है पर इतना चलता है। अच्छा लग रहा है ना, वैसे मैंने सोचा था मैं दिखाती हूँ, मेरे पास दो मैंने दो मैं ऐसे कंफ्यूज थी, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, मैंने सोचा यही वाली डाल लेती हूँ, मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे लंबे लंबे मुझे बहुत पसंद। अरे हाँ, मैं आप लोग को बोलना भूल गई, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, और अगर कोई क्यूरी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बता सकते हो कि मैं नया वीडियो किस चीज़ पे लाऊं। प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। अच्छा तो ये देखो मैंने रिंग भी डाल ली है, और हाथ में आप चाहो तो वॉच, प्लेन वॉच भी पहन सकते हो, और चाहो तो एक में वॉच या फिर कुछ ब्रेसलेट जैसा भी, और मैं ये डालने जा रही हूँ। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ कि कैसे लग रही हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स ये मैं रेडी हूँ, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है। और अगर आप ये स्किप करना चाहोगे तो भी अच्छा लगेगा, मतलब
सोचना है कि ओपन हैंड भी अच्छा लगेगा, बट ये मैंने जो बताया आपको, ये पार्टी लुक, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में कोई फंक्शन है, या फिर किसी यहाँ पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं भी, मतलब ये लुक बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। सो ये आप कर सकते हैं, और अगर ये लुक आपको पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक प्लीज़ मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो, प्लीज़ कर लो। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो भी बहुत ही अच्छा लेके आने वाली हूँ, तो अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मन से और खुशी से अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी।